गर्ल्स हो या बॉयज़, जेंट्स हो या लेडीज़, दोनों के ना नेचुरल रूप से बाल जो है स्किन पे होते हैं, पर कई लोगों के ना बहुत ज़्यादा जो हेयर ग्रोथ होती है और कई लोगों की बहुत कम होती है। तो कई लोगों को क्या होता है ना, हार्मोन्स के इनबैलेंस की वजह से ना बहुत ज़्यादा ना अपर लिप्स पे, गालों पे, हाथों पे, टांगों पे बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर आ जाते हैं और वो लोग चाहते हैं बस हम इन अनवांटेड हेयर से ना बहुत जल्द से जल्द छुटकारा पा सकें। बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है आपकी स्किन पे, इससे कोई भी रैसेस वगैरह नहीं आने वाले, बिल्कुल आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह एक ही यूज़ में आपके सारे अनवांटेड हेयर जो हैं हमेशा के लिए रिमूव हो जाएंगे और आप मुझे है कमेंट बॉक्स में आकर ना थैंक यू ज़रूर बोलेंगे अगर आपने इस रेमेडी को यूज़ कर लिया तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किचन विद आयजा चैनल। कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए हम अपनी पावरफुल सी रेमेडी बना लेते हैं। रेमेडी बनाने के लिए आपको कोई भी सामान बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, सारा सामान आपको आपके किचन में मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है चीनी ले ली है, नॉर्मल चीनी है ये, और सबके घर में आमतौर पे ये चीनी होती ही होती है। अब यहाँ पे हमें जो है 1 चुटकी ना नमक लेना है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, वाइट वाला, और इससे ना इतने कमाल के रिज़ल्ट है ना, आप इसे यूज़ करके देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। एक यूज़ में आपके सारे अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने पानी लिया है, नॉर्मल पानी, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल बॉटल से पानी ले लिया है जो बाहर थी, और इसको हम थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि अच्छे से ना इसमें नमक जो है मिल जाए अच्छे से, और हमारी पावरफुल सी रेमेडी ना माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार होने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दिखाएंगे, छोटी सी वीडियो है, पूरा देखिएगा। और चीनी है ना बाल रिमूव करने के लिए, अनवांटेड हेयर रिमूव कर लेने में बहुत हेल्पफुल होती है और आपकी ना स्किन को भी फेयर करती है। चीनी में ना स्किन वाइटनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसलिए ना मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ जिसमें बहुत सारे ना स्किन बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ देखिए अब गैस को हमने ऑन कर लिया है और अब हमें क्या करना है, बिल्कुल लो पे गैस को रखना है और जो है चम्मच से, स्पून से ना आपको इसे चलाना है ताकि जो ये अच्छे से ना एक जैसे हर तरफ से पक के तैयार आपकी रेमेडी हो जाए और आपके सारे बाल में एक बार में जो है रिमूव हो जाए। तो ये रेमेडी ना टीन एजर्स भी लगा सकते हैं, बॉयज़ भी लगा सकते हैं, इससे कोई भी ना आपको नुकसान नहीं होने वाला है, रैसेस वगैरह भी नहीं आने वाले हैं। तो आराम से इसे लगाइएगा और अपने जो है अपर लिप्स पे, अपने चिन पे, अपने गालों के पास, अपने हाथों के पास जो है जहाँ पे भी आपके अनवांटेड हेयर है ना उसे आराम से यूज़ करिएगा। आगे वीडियो में चल के मैं आपको ना लाइव डेमो भी दिखाने वाली हूँ जिसमें आप देख पाएंगे कि किस कदर ना ये अनवांटेड हेयर को रिमूव करने में हेल्पफुल है रेमेडी, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और देखिए इस तरह से इसमें चाशनी सी बनने लगी है क्योंकि इसमें चीनी जो है घुलने लगी है, और चीनी अच्छे से जब तक घुलेगी नहीं हमें अच्छे से इसे चलाना है और थोड़ा सा ये पक के ना कम हो जाएगा तो 1 मिनट का टाइम इसमें जो है लगता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सेकंड ज़्यादा लगे तो कोई बात नहीं, वो आपकी 1 मिनट में ना आपकी रेमेडी जो है तैयार हो जाती है। इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, बहुत सिंपल सी और बिल्कुल नेचुरल सी रेमेडी आपकी बन के तैयार है। हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और जो है इस रेमेडी को हमें क्या करना है, ठंडा करना है, क्योंकि गरम गरम बिल्कुल भी इसे अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ना आपकी स्किन जल जाएगी, रैसेस आ जाएंगे और जो है काला निशान पड़ जाएगा। तो कोई भी चीज़ आप यूज़ करें ना बी केयरफुल, अपनी स्किन का ध्यान रखते हुए करें, बाकी तो ये बिल्कुल नेचुरल है आपकी स्किन पे और कुछ भी नहीं होने वाला इससे, बस गरम गरम का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये थोड़ी सी ठंडी होती है ना, फिर मैं आप लोगों को ना इसका लाइव डेमो जो है दिखाती हूँ ताकि आप लोग भी ना अपने अनवांटेड हेयर से ना छुटकारा पाएँ। आप अभी मेरे हाथों में देखिएगा, बिल्कुल भी मेरे हाथों में ना आपको बहुत ज़्यादा बाल नहीं दिखेंगे, क्यों तो उसका राज यही है कि मैं यही रेमेडी यूज़ करती हूँ। तो देख लीजिए मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा बाल नहीं, लेकिन हल्के हैं जो कि आपको ना वीडियो में नहीं दिख पा रहे होंगे। तो देखिए इस तरह से ना थोड़ा सा लेना है आपको, जहाँ भी आपको अप्लाई करना है ना इस तरह से अप्लाई करें, जहाँ बालों की डायरेक्शन है ना उसी डायरेक्शन में आपको ना इस रेमेडी को अप्लाई कर लेना है। और कोई भी ना कॉटन का कपड़ा या कपड़े वाले चॉपर आते हैं ना उसकी स्ट्रिप कट कर लेनी है और इस तरह से इसे लगाना है और एकदम से खींच देना है, और इससे क्या होगा ना आपके जो भी अनवांटेड हेयर है ना इसके स्ट्रिप के साथ ना निकल के आ जाएंगे और बहुत आपको पेन भी नहीं होने वाला, बहुत आराम से ना आपके हेयर निकल जाएंगे और धीरे धीरे मेरे हाथों में जिस तरह से ग्रोथ है ना उस तरह से ना आपकी भी ग्रोथ बिल्कुल कम
होने वाली बहुत अच्छी नई रेमेडी है। आप देख ही पा रहे होंगे लाइव डेमो मैंने आपके साथ शेयर किया है, माशाल्लाह बहुत कमाल की है। तो इस रेमेडी को जो है अप्लाई करें और अपने प्यारे प्यारे फीडबैक जो है अपनी बहन के साथ जो है शेयर करें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बहन को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहेगा चुस्त फुस्त तंदुरुस्त। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और एडवांस में आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम।